आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 8 नवंबर की रात भारत सरकार द्वारा नोटबंदी की गई थी। इस नोटबंदी के दौरान कई लोगों की मौत हो गई थी। उन मृतकों के लिए आज यहां मुंब्रा स्टेशन पर जो श्रद्धांजलि दिया गया था, इस श्रद्धांजलि में कई गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आप बताओ, जो नोटबंदी की गई थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर कभी आज तक ये काम नहीं हुआ था। नोटबंदी जो था वो बहुत बड़ा स्कैम है, हिंदुस्तान का नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इनका जो करप्शन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो इन्होंने किया था, और गैर कानूनी तरीके से संविधान को परे रखते हुए इन्होंने ये काम किया था। इनके अपने सरकार के मंत्रियों को तक ये पता नहीं था जब नोटबंदी का इन्होंने जो निर्णय लिया था, और इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट गिरा था। GDP हमारा डाउनफॉल हो गया, लोग बहुत परेशान हुए, बैंकों के अंदर परेशानियां हुई, ATM में पैसे ने जो लोगों के आप बीमार थे या जिनके घरों में शादियां थी, ऐसे लोगों के पैसे बैंकों में होते हुए भी वो निकाल नहीं पाए, कई लोग मर गए इसके अंदर, और बहुत सारे लोग जो जिन्होंने अपनी जान को गवाया है, जो शहीद हो गए, हम तो समझते हैं उनको, मानते हैं, लेकिन क्योंकि एक अत्याचार के अंदर कोई मरता है, किसी के ऊपर जुल्म होकर जो किसी को मारा जाता है तो वो शहीद होता है, तो उन शहीदों के हिसाब से हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और हम इसको काला दिवस के नाम से बोलेंगे 8 नवंबर को। ये निर्णय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मान्य अध्यक्ष राहुल जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में सारे जिलों में प्रोग्राम किया जा रहा है, उसी के चलते ये प्रोग्राम आज कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। इनका कहना है कि जो है 8 नवंबर को जो है ये काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, इस नोटबंदी के वजह से जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। और हमारे साथ मौजूद है, सर आप बताइए, नोटबंदी की वजह से आप लोगों को कितनी तकलीफ हुई थी, उस वक्त आप लोगों ने क्या महसूस किया था? नोटबंदी के वजह से जो तकलीफ हुई थी वो यहाँ की जनता आपको बताएगी, कितने लोगों के घर पे मौत हुई है, कितने लोग बेघर हुए हैं, उनके बच्चों का क्या हाल हो रहा है, लोगों की शादियां टूट गई है, बहुत से लोगों को बहुत सी तकलीफ हुई है, बहुत से किसान मारे गए हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए 8 नवंबर जो है काला दिवस बनाते हैं। और यहाँ पे कलवा मुमरा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है। जी, जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त जो है सबसे ज्यादा गांव में रहने वाले लोगों को तकलीफ हुई थी, गांव में सबसे अधिक जाने गई थी, क्योंकि गांव तक, और जब शहरों में पैसा नहीं पहुंच रहा था बैंकों में, तो गांव में पैसा कहां से पहुंचेगा। यहां पर मौजूद हमारे साथ कोकण डिवीजन के अध्यक्ष जो है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नोटबंदी के बारे में उनका क्या कहना है। सर, आप नोटबंदी जो मोदी सरकार ने की थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज नोटबंदी को पूरे 2 साल हो चुके हैं, और इस 2 साल में जो परिणाम हमारे सामने है, भारत देश के सामने, ये सारा भारत देश जानता है कि आज अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। नोटबंदी के दौरान जो सैकड़ों लोगों की जाने गई, उसका कौन जिम्मेदार है, कौन है उनके कत्ल का जिम्मेदार, ये सब आप जानते हो। मुझे तो हैरत होती है ऐसे लोगों पर जो देश की भागदौड़ संभाल रहे हैं, वो किसी भी अर्थशास्त्री से मशवरा किए बिना सिर्फ अपनी हठधर्मी का उन्होंने सबूत दिया है, जो जबरदस्ती ये लागू की नोटबंदी। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो काला धन जो नोटबंदी के दौरान दावे किए जा रहे थे कि हम काला धन को हासिल लाएंगे, जबकि ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये सोची समझी साजिश है चुनिंदा व्यापारियों की, ये व्यापारियों की, और बड़े बड़े जो स्कैम करने वाले जो फ्रॉडियां हैं इस देश को जो लूटना चाहते हैं, वो लोगों ने जानबूझकर ये नोटबंदी का कार्यक्रम लाया। इनका कहना है कि जो है सत्ता से जो है मोदी सरकार को दूर रखा जाए, क्योंकि मोदी सरकार की वजह से ही भारत देश की अर्थव्यवस्था जो है टूट चुकी है। और कहीं ना कहीं इन्होंने आरोप लगाया है कि जो यहाँ से जितने भी बिजनेसमैन भागे हैं उनका कहीं ना कहीं मोदी सरकार से जो है उनका कनेक्ट था। नोटबंदी के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया था वो वसीम हजरत की तरफ से आयोजित किया गया था। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, आप नोटबंदी को लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी की गई थी
उसमें काफ़ी सारे गरीब लोगों की जान गई थी बैंकों की लाइन में खड़े रह के, फिर भी उसका कुछ यूज़ नहीं हुआ था। जैसा आप लोगों को पता होगा एज पर सर्वे 99.3% नोट्स 500,000 की वापस बैंकों में आ गई थी, तो उस नोटबंदी का कोई यूज़ नहीं था। बेचारे जिन लोगों की बस जान चले गई वो इस तरीके से वेस्ट हो गई। उन्हीं लोगों को जिन लोगों की जान गई थी उनको आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एक शांतिपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि का प्रोग्राम मुंब्रा कलवा यूथ कांग्रेस की तरफ से रखा गया है, जिसमें हमारे साथ हमारे पेरेंट्स बॉडी के कांग्रेस वाले और बाकी सब लोगों ने हमारे सहयोगी लोग ने साथ दिया है इसमें। नोटबंदी के बारे में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि एक आम शहरी की तरह जब मैं बैंक की कतारों में जाता था और अपने ही पैसे एक भिखारी की तरह 2,000 रुपया मिलता था मुझे और उससे मेरे पूरे घर का खर्च चलता था, मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आपके जो RBI के गवर्नर थे, आज बड़ी शर्म की बात है कि वॉशिंगटन में जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हमारे रघुराम राजन जी गए और उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जो एक कड़वा सच है और जो मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि अगर देश की GDP 7% रहती तो देश और ग्रोथ करता था। उन्होंने दो बातें उसमें हाईलाइट करी, एक तो डिमोनेटाइजेशन और दूसरा GST। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, आप मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं व्यापारी हूँ, आप जाइए आज मार्केट में, व्यापारियों के पास पैसे नहीं है, GST उनको रिटर्न्स पहले फाइल करना होता है, बाद में वो अपना ऑडिट कराते बैठे, मतलब सरकार प्रीपेड हो गई है और डिमोनेटाइजेशन की वजह से आज इतनी तकलीफ हुई। मैं तो पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, जो 99.3% जो फाइनेंशियल ईयर में आया 2016-2017, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की रिपोर्ट कह रही है, अगर सरकार की रिपोर्ट कह रही है तो वो पैसे आए तो फिर वो कहाँ गया, जो आतंकवाद को पैसा जाने वाला था, जो ब्लैक मनी को पैसा जाने वाला था, जो हवाला में पैसा जाने वाला था, जो स्विस बैंक में पैसे थे, ये भद्दा मजाक था और कुछ नहीं कह रहा। तो इनका साफ कहना है कि सरकार ने जो दावे किए थे कि नोटबंदी के बाद जो है आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, वो सरासर खोखले साबित हुए हैं। एक और हमारे साथ यहाँ मौजूद है, यहाँ मोदी सरकार के खिलाफ लगातार नाराजगी आज भी देखी जा रही है, या अगर हम बात करना चाहें तो हमें घंटों लगेंगे बात करने के लिए, लेकिन हम यहाँ कुछ ही लोगों से बात करेंगे इस बारे में। सर आप क्या कहेंगे? जैसे अभी आपने भ्रष्टाचार की बात की, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये डिमोनेटाइजेशन ही है जो 2016 का सबसे बड़ा स्कैम कहा जाता है। डिमोनेटाइजेशन मतलब होता है कि आप बड़ी नोट जो होती है वो कम करते हैं, जिसका डिनोमिनेशन कम होता है। यही प्रस्ताव जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के बाद रखा था तो यही BJP वाले, यही RSS वाले उनके खिलाफ हो गए थे। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है अगर कोई बड़ी नोट है, अगर 100 रुपये की बड़ी नोट है तो उसको 50 की जाए, ना कि 200 की जाए। तो ये डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता नहीं, काले धन के नाम पे हम पैसा वापस लेके आएंगे। आया वो पैसा, 6 करोड़ हम लोग शौचालय बनाएंगे पूरे जिले में, पूरे गांव में, हर गांव में बने, हाँ, महिलाओं के लिए सब्सिडी दी जाएगी। कहीं ना कहीं आप नोटबंदी को फेल मान रहे हैं, सबसे बड़ा फ्लॉप और सबसे बड़ा स्कैम है वो। ये बिल्कुल इन लोगों का साफ कहना है कि जो भी नोटबंदी की गई थी वो बिल्कुल फ्लॉप है, ये नहीं सबसे बड़ा उसे स्कैम माना जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो जिन लोगों की उस दौरान बैंकों में लाइन लगाने की वजह उसकी मृत्यु हो गई थी, उनको यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाकर जो उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है उनको, और अपने कैमरा मैन से चाहूँगा दिखाने के लिए आपको दिखाएं यहाँ पर जो 500 की और 1,000 की नोट लगाई गई उसके ऊपर फूल माला भी लगाया गया, यानी उसकी भी जो है मृत्यु हो चुकी है। और और दिखाना चाहूंगा इस नोटबंदी में जितने भी लोग मरे थे उनका यहाँ पर बाकायदा नाम दिया गया है कि इतने लोगों की मौत हो गई थी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात थी कि जो नोटबंदी की गई थी जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है वो आज भी उसी तरह से बरकरार है। लोग लगातार गुस्से पे गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।